सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए जो डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ, तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और दरों का निर्धारण तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसके आधार पर एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपये डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। लेकिन 2023-24 क्योंकि इसमें 14 महीने आएंगे, 2 महीने पिछले, अगर जनवरी 2023 से गिने तो फरवरी 2024 तक, इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, 14,951.52 करोड़ रुपये का खर्चा 2023-24 में आएगा और प्रति वर्ष जो होगा वो 12,815.60 करोड़ रुपये आएगा। अगर इसमें मैं स्प्लिट करके बताऊं तो डियरनेस अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो 6,554.40 करोड़ पर एनम आएगा और 2023-24 के लिए जो 14 महीने के लिए कहा गया वो 7,646.80 करोड़ रुपया 2023-24 में आएगा। इसी तरह से डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स के लिए है वो 6,261.20 करोड़ पर एनम आएगा और जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है जो 14 महीने के लिए वो 7,304.72 करोड़ रुपया इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा।